ग्रहण काल के दौरान महाकाल मंदिर और क्षिप्रा नदी के घाट पर पंडित पुजारियों ने जप किया। ग्रहण समाप्ति पर महाकाल मंदिर को जल से धोया गया, जिसके बाद क्षिप्रा नदी में स्नान व दीप दान के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। धर्मनगरी उज्जैन में ग्रहण का असर देखने को मिला, जहां करीब 36 मिनट तक चंद्र ग्रहण देखा गया। शाम 5:43 पर चंद्रोदय के दौरान ग्रहण देखा गया और शाम 6:19 पर ग्रहण समाप्त हुआ। यहां ग्रहण काल के दौरान महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन जारी है। वहीं मंदिर के गर्भगृह और नंदी हॉल में पंडित पुजारी ध्यान और जप करते नजर आए। यहां ग्रहण समाप्त होते ही मंदिर को जल से धोया गया, वहीं शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया गया। दूसरी ओर ग्रहण के दौरान क्षिप्रा नदी के घाटों पर पंडित पुजारी जप करते नजर आए। जैसे ही ग्रहण समाप्त हुआ, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही दीपदान और पूजन अभिषेक किया गया। अब महाकाल में चंद्र ग्रहण समाप्ति के पश्चात पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। भगवान महाकाल की आरती पूजन की तैयारियां चल रही है, क्योंकि बाबा को आज सायंकाल जो पूजा थी चंद्र ग्रहण होने के कारण, संध्या पूजन एवं आरती एक साथ होगी, भगवान का भोग बनेगा और ये आनंद मंगल के साथ में चंद्र महाग्रहण संपन्न हुआ है और बाबा महाकाल की पूजन अर्चन की तैयारी चल रही है। जय महाकाल। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।